आप द्वारका आते हैं तो एक दिन का ट्रिप कैसे बनाए? एक दिन पे आप लोग पहले तो द्वारकाधीश मंदिर जो दूर पे आप देख रहे हैं, जो बहुत दूर में है, क्लाग है, वहाँ पर है द्वारकाधीश मंदिर, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसके लिए टाइमिंग वगैरह रहेगा आपका मॉर्निंग 6:30 to 9:30 PM तक। इवनिंग आरती होती है उधर 7:30 PM, फिर 8:30 PM, 9:30 को बंद हो जाता है। बहुत भीड़ रहते हैं, थोड़ा प्लान बनाइए। सेकेंड, उसके बाद आप जा सकते हैं द्वारका बीच। ये जो रोड देख रहे हैं ये द्वारका बीच है, मैं दिखाता हूँ पास में। देन द्वारका बीच के पास आपको नारायण मंदिर मिलेगा, और द्वारकाधीश मंदिर के आसपास बहुत बड़ा स्ट्रीट मार्केट है, वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। एंड उसके बाद वहाँ पर आपको बहुत लोकल स्ट्रीट फूड भी मिलेंगे। देन वो कवर करने के बाद देन आप जा सकते हैं रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर रहेगा, तो वो कवर कर सकते हैं एक दिन में। उसके बाद एक ज्योतिर्लिंग है, कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आप यहाँ से कुछ 17 किलोमीटर है, तो वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको पूरा दिन हो जाएगा। देन उसके बाद आप सोमनाथ मंदिर की तरफ प्लान बना सकते हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा एक दिन में ट्रिप। ये एक दिन आपका जब इवनिंग पहुंचेंगे, जिस दिन उस दिन आप द्वारकाधीश मंदिर कवर कर लीजिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के बीच, रुक्मणी मंदिर और जो ज्योतिर्लिंग और नारायण मंदिर, और ये बीच रोड और द्वारका शहर ये कवर कर लीजिए। इसी तरह आप पूरा एक दिन में मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं अगर द्वारिका आप आते हैं। भैया माला ले लो, तुलसी माला। यह है नारायण मंदिर। ये देखिए दूर पे, ये है द्वारकाधीश मंदिर। पीछे रह गया, मैं दिखाता हूँ। लोग पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। इधर के भी आने का टाइमिंग वही है, सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी लोग भीड़ है। ये 17 किलोमीटर दूरी पे है द्वारकाधीश मंदिर से। हाँ, लेकिन रास्ता पूरा खाली है, तो आपको आने में सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट ही लगेंगे। तो आप अगर आ रहे हैं द्वारका तो डेफिनेटली ये भी आप देख के जरूर जाइए। हाँ, मैं कितने का है? हाँ, एक पैक इतना दिन।
कुछ नहीं है तुम्हारा। अभी हम लोग जा रहे हैं गोपी तालाब देखने के लिए। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के से पास में 5 किलोमीटर दूरी में है उधर से। अब जाके दिखाता हूँ उधर। तो ये भी प्लेस आप कवर कर सकते हैं अगर द्वारका आ रहे हैं, और बताऊँगा आपको आना है कि नहीं आना है देखने के बाद। इस तरफ है गोपी चंदन की खान, गोपी घाट इस तरफ है। कहा जाता है कि गोपियों के कपड़े काका जाति के लोग लेकर गदन के वृक्ष पर चढ़ गए थे, तो उस स्थल के दर्शन कीजिए, काल गोपी का झूला झुलाइए। आइए गोपेश्वर महादेव मंदिर इस तरफ है। कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी के सामने गदन का वृक्ष था, वहाँ पे काल गोपी ने राजलीला बताई। समय समय भगवान है नहीं पुरुष भगवान अगर आप गोपी घाट आते हैं यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे लाइन में। तो इस रोड पे जाते रहेंगे तो वहाँ दूर दूर तक मंदिर बहुत सारे हैं। जो आगे दिख रहे हैं वही है तालाब, गोपी तालाब।